हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी। सबसे ज़रूरी बात, जिन्होंने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ नीचे जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में। एंड जो आज हमारी रेसिपी है वो है मलाई कोफ्ता, और इसको कैसे बनाते हैं आओ देखें। मलाई कोफ्ते के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बेसन। हमने दो लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये काजू का थोड़ा पाउडर ले लिया है, तेज पत्ता और इलायची ली है, अनियन को क्रश कर लिया है, टोमेटो को क्रश कर लिया है, थोड़ी सी मलाई ली है और अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ली है। ऊपर करके जो ग्रेटेड लौकी है उसका हम पानी अच्छे से निकाल लेंगे ताकि हम इसके भजिए या पकौड़े जो भी बोलते हो अच्छे से बन सकें। जो ये लौकी का पानी निकला है हम इसको उसके ग्रेवी में डाल सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लेंगे। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे ही इसमें हमें लौकी के पकौड़े बनाने हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी है तो हम इसके गोल गोल करके भजिए बना लेंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक भजिया बनके रेडी हो रही है तब तक हम मसाला ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। देखो हमारे भजिया का कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अभी हम इसको निकाल लेंगे। हमारा तेल अभी गर्म हो गया है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अभी जीरा भून गया है, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता और दो मोटी इलायची। अदरक लहसुन भून गया है तो अभी इसमें डालेंगे प्याज और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर अभी चेंज हो गया, मतलब भून गया है। अभी इसमें डाल देंगे टमाटर। अभी इसको भी टमाटर की पेस्ट, अभी इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर थोड़ा भूनना चालू हो गया। अभी हम टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी। हमारा देखो मसाला अच्छे से भून रहा है। अब इसमें जो हमने काजू क्रश किए हैं वो डाल देंगे और फ्लेवर, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। देखो तेल छोड़ना शुरू हो गया। अभी जो हमने लौकी का पानी निकाला था उसको हम ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी इसमें डाल सकते हैं। जब तक ग्रेवी अच्छे से उबल नहीं जाए तब तक हम इसको पकने देंगे। हमारा मसाला भून गया, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। अभी हम इसमें मलाई डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया ग्रेवी का। तो देखिए गाइस, हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम मिलाएंगे सब कोफ्ते। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने दीजिए, उसके बाद हम अपना गैस बंद कर देंगे। सो कैसी लगी आपको हमारी ये डिश हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है।